गुड न्यूज़ फिल्म रिलीज हो चुकी है और आज चौथा दिन है और मेरे साथ फिलहाल मौजूद है नितिन भाई ने ये फिल्म भाई कितने बार देखी आपने गुड न्यूज़? दो बार देखे, तीसरी बार तैयारी है अभी। तीसरी बार की तैयारी है? हाँ। तीसरी बार कब देखने वाले हो? अभी देखूंगा, आज या कल। आज या कल? आज का देख रहा हूँ मैं। हाँ। अभी कब मिल जाए तो अभी देखने के लिए जाऊंगा। भाई आपसे जान चाहते हैं कि फिल्म का कलेक्शन 3 दिन में 66 करोड़ हुआ है, 66 करोड़ हुआ है। हाँ। लाइफ टाइम के अंदर कहां तक हो सकता है? ये मैं फैन भी है इसलिए। हां, अक्षय कुमार का मैं फैन भी हूं। हां। और इसका कलेक्शन देखने जाए तो अभी 66 करोड़ तक हुआ है। हाँ। और ये लास्ट तक इतना वो 170 180 तक होना चाहिए वो। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से टक्कर तो मिल रही है। लेकिन क्या लगता है नए साल में से आज 30 है, कलेक्टिव्स है, फिर 1 तारीख है, लोग क्या पिक्चर देखेंगे कि फैमिली के साथ घूमेंगे? ऐसे तो कोई घूमने के लिए जाते हैं, कोई देखने के लिए आते हैं, मतलब जो पता रहता वही देखने के लिए आते हैं वो। बाकी जिनको इंटरेस्ट रहता है वो देखने के लिए आते हैं वो। अच्छा, अच्छा। बाकी तो घूमने के लिए चले जाते हैं। बराबर। तो क्या लगता है 170-180 करोड़ इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कैसा? मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, बाद में कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, ताना जी भी आ रही है 2 हफ्ते के बाद, तो क्या लगता है तब तक टक्कर मिलेगी नहीं? तो मिल तो नहीं, तभी तो सब ताना जी भी चले जाएंगे। अच्छा, अच्छा। अभी का कलेक्शन देख सकते हैं कुछ इतना तक 170-180 तक होना चाहिए। हाँ, 200 करोड़ जा सकता है कि क्या 180 करोड़ पे रुक जाएगी, क्या लगता है? नहीं, 170 से तो आगे जा पाएगी और 200 से कुछ करीब रहेगी अभी। क्या है कि अभी दो पिक्चर जो आ रहे वो कोई उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे, वो सब लो वाले हैं। इन सब दूसरे हफ्ते में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं इसको? नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। डर कब ताना जी में देखना पड़ेगा अभी, ताना जी में क्या होता है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हिसाब से, ये कि 180 170 तक जाएगी। शुक्रिया भाई।